नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल वीवीए मैक्रो। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं 101 फॉर्मूला ट्रिक्स पे। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि कैसे हम एमआरपी की कॉस्ट निकालते हैं, जिसमें हमने कैलकुलेट करना सिखाया था। अब हम आपको आपके साथ एक डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से, अगर आप इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाते हो तो कैसे मल्टीपल कंडीशन लगाओगे, उसका क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए कि बैंक का एक डेटाबेस आपको वेरीफाई करना है, बैंक का एक डेटाबेस वेरीफाई करना है, जिसमें एक पर्टिकुलर नेम है कि हाँ पूजा, और इसकी आईडीज है कि इसमें पैन कार्ड देना है, इसमें वोटर देना है, इसमें यू आईडी देना है और इसमें पासपोर्ट देना है। अब बात यह है कि इसमें बैंक ने बोला कि इसमें से यू आईडी कंपल्सरी है या पैन कंपल्सरी है, मान लीजिए फिलहाल मान लीजिए पैन कंपल्सरी है और बाकी में से कोई एक देना है। जैसे कि यहाँ पे ये वाई होना चाहिए, वाई या इन तीनों में से कोई एक वाई होना चाहिए, जरूरी नहीं कि तीनों हो, और स्टेटस होना चाहिए। तो इसमें एंड और दोनों हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ के साथ कि इफ एंड हो गया, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर और के अंदर में हमने डाला और बोला दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई। राइट, तो रिजल्ट हमारा, अब इसमें एंड और लग गया, इसके बाद यहां पे देते ऐसा हुआ तो यहां पे हम देंगे ओके, अदरवाइज स्टेटस देंगे पेंडिंग। स्टेटस ओके, अदरवाइज तो इसमें क्या है कि अगर इसमें से कोई एक नहीं हुआ तो पेंडिंग आएगा। तो एक पैन नंबर कंपलसरी है, अगर मान लीजिए कि मैं पैन हटा देता हूं और इसमें से कोई दो दे देता हूं, फिर भी आपको पेंडिंग ही आएगा, क्योंकि पैन जो है वो कंपलसरी है। ये था हमारा एंड और इफ के साथ कैसे यूज करेंगे। तो एंड के अंदर में हमने जो कंपलसरी था वो एंड के अंदर में रखा, और भी कंपल्सरी है लेकिन और का कि एक ही पार्ट कंपल्सरी है, तो ये तीनों को मैंने और के अंदर में रख दिया। तो और क्या करता है कि अगर इसमें से तीन रिजल्ट उसको सही है तो वाई देगा, अदरवाइज तीनों में से कोई एक सही हुआ तो वाई दिया, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू या फॉल्स देता है। तो ट्रू देगा कब, जब ये वाई होगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो ये तो हो गई एक्सेल का पार्ट। अब बात करते हैं वीवीए की, वीवी के थ्रू। अब वीवी के थ्रू क्यों चलेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसको हम वीवी के थ्रू क्यों करेंगे। तो बेसिकली आप एक्सेल के जानकार हैं, इसलिए इतनी लंबी फॉर्मूला आप लगा लोगे। मान लीजिए कि ये आपका रिपीटेड जॉब है, रिपीटेड वर्क है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं कि जब मैं कोई भी इसको लगा सके, तो ये सारी कैलकुलेशन को मैं बैकएंड में करना चाहता हूँ। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहां पे हम देंगे फंक्शन और यहां पे दे देते हैं हम स्टेटस ST1 करके, टू यहां पे दूसरा फॉर्मूला है इसलिए। और यहां पे फंक्शन ST2, इस पर हमने ये नहीं दिया ना क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें n एज ए हमने दे दिया लॉन्ग, और ये स्ट्रिंग जो भी है हमने स्ट्रिंग दे दिया। एंड
एंड कॉमा आर एज ए रेंज एंड स्ट्रिंग एस टी एज ए स्ट्रिंग। अब यहां भी क्या है कि मैं यहां पे दूंगा फॉर्मूला किसका स्ट्रिंग ST2। ये हम देंगे कि भाई इसको इसको रखना है, उसके बाद इसमें से चेक करो कि है नहीं है, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा कि हमें क्या चेक करना है तो वाई। और ध्यान रखिएगा बीवी केस सेंसिटिव होता है तो बड़े छोटे का फर्क रखना पड़ेगा। अब यहां पे कंडीशन होगा कि इफ एन इक्वल टू एस टी यहां पे हो जाएगा, यहां पे फोर यहां पे एप्लीकेशन डॉट काउंट एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, और काउंट इफ में हम दे देंगे रेंज हो जाएगा आर एंड किसको एस टी को सर्च करना है काउंट करना है, और एक इस पे लेगा सी इक्वल टू, और सी को ऊपर डिफाइन कर दीजिए कि डिम सी एज ए इंटीजर। अब यहां पे कंडीशन होगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन एस टी अंडरस्कोर टू इक्वल टू यहां पे होगा ओके ओके एल्स एल्स एस टी टू इक्वल टू पेंडिंग। और यहां पे एंड इफ, तो ए एंड इफ हुआ एक इफ के लिए, क्योंकि इसमें नेस्टेड इफ लगा है तो मुझे इसमें दूसरा इफ देना पड़ेगा, दूसरा एल्स देना पड़ेगा कि एल्स, और फिर यहां देना पड़ेगा एंड इफ। एल्स के स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण सही नहीं है। हाँ, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब मैं यहां पे फॉर्मूला इसको इसको अप्लाई करूं, देखिए आपके सामने ओके आ गया। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं फिर भी ओके आ रहा है, एन इक्वल टू एस टी बी फाइव एन कहेगा। अच्छा यहाँ भी ओके है इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा था। यहाँ पेंडिंग कर देंगे, पेंडिंग आ गया। तो हमने कौन सा कोड अप्लाई किया, तो ए कोड अप्लाई किया, तो इस कोड के माध्यम से हमने इसको यूज किया। तो यहाँ हमारा हो गया एक्सेल का फीचर्स, और इसी फंक्शन को हमने वीवी के थ्रू अपना खुद का फॉर्मूला क्रिएट कर लिया ताकि कोई इजीली इसको यूज कर सके। तो 101 फॉर्मूला ट्रिक्स में दूसरा फॉर्मूला का ट्रिक्स था, और दूसरे के दो फॉर्मूला ट्रिक्स में हम आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्सेल के फॉर्मूला और एक्सेल के चीजों पे डिस्कस करते हैं। अब ये डीवीडी अगर आप परचेज करना चाहते हो कि किसकी ये डीवीडी बन रही है, तो अगर डीवीडी आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ipt.india.com पे जाएं, वहां से परचेज कर लें, क्योंकि ये जो डीवीडी देख रहे हैं ये कुछ हम डमी कुछ प्रमोशनल डाल रहे हैं, मैं इसकी पूरी डीवीडी पूरी वीडियो को यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। तो अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी डीवीडी परचेज करना पड़ेगा, 2500 का 2500 रुपये की डीवीडी है जिसको आप ऑनलाइन iptindia.com से परचेज करें, और 2 से 4 दिनों में आप अपने घर पे पाए, और साथ में डेटा भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डेटा भी डाउनलोडिंग है।
और इजली डीवीडी है, अगर आपके लैपटॉप वगैरह में डीवीडी का फीचर नहीं है तो आप कहीं से भी इसको कॉपी करवा सकते हैं, इजली कॉपीबल है, कोई इसका लिमिट नहीं है, कोई इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, नॉर्मल कॉपी एंड पेस्ट है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और डीवीडी परचेज करने के लिए जा सकते हैं, या फिर हमारी ऑनलाइन लाइव कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी डेमो क्लासेस को भी आप वेबसाइट iptindia.com पे जाके फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।